देखें जी, ये फोटोशॉप आपके सामने जो है वो ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ से हम कोई भी न्यू करके फाइल ले लेते हैं और इसको मैं कोई अपनी साइज दे देता हूँ। एक पेज मैंने ओपन कर लिया है, देखें आपको नजर आ रहा होगा। और यहाँ से थोड़ा सा इसकी मैं सेटिंग कर लेता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही जो है वो चीज़ें बड़ी भी नज़र आ रही हैं। तो लेयर का मैं जो है पैनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें आपका बैकग्राउंड का लेयर है। सबसे पहले देखें ये मास्किंग होती क्या है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कोई चीज़ ओपन कर लेता हूँ, कोई एक पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें ये एक जो है वो पिक्चर है, ये पिक्चर मैंने जो है वो कॉपी की। ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और अपने इस पेज में आकर कंट्रोल वी कर दूंगा। ठीक है, बहुत बड़ी जो है वो पिक्चर नज़र आ रही है आपको, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। मूव टूल लेकर इसको मैं यहाँ से यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, यहाँ से शिफ्ट पकड़ के मैं इसको जो है वो छोटा कर दूंगा। आ गया, क्या आ गया है, एक तो ये लेयर आ रहा है और एक ये मास्क आ रहा है। मास्क बेसिकली होता क्या है और हम करते क्या हैं इसे। अब सिंपली अगर मैं एक ब्रश उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, ब्रश की साइज़ तकरीबन सही है, और यहाँ से देखें ब्लैक कलर लिया हुआ है। अब जहाँ जहाँ से मैं इसको काटता जाऊँगा ये कट जाएगा यहाँ से। यस, ठीक है, अब यहाँ पे देखें ठीक है जी, देखिए यहाँ से ये गायब हो गया। अब अगर मैं इसको यहाँ से उलट कर देता हूँ और वाइट वाला एरिया लाता हूँ तो ये दोबारा मेरे पास ये पिक्चर वापस आ रही है। तो अगर आप सिंपल ब्लैक कलर लेके इसको जो है वो करेंगे तो ये मास्किंग ऑन हो जाएगी कि कहाँ कहाँ से मास्क आप इसको जो है वो काट रहे हैं या कौन सी चीज़ आपने जो है वो इससे ख़त्म करनी है। और अगर आप वाइट वाला एरिया लाएंगे तो दोबारा आप इसको शो करा सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं मास्किंग। मिसाल के तौर पर मैं या तो ब्रश से कर लेता हूँ या मैं किसी और सिलेक्शन टूल से भी जो है वो इससे कर सकता हूँ कि मैं अपने जो है वो इसको लेयर को एक जगह से आपका मास्क। अब मिसाल के तौर पर जो है वो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पिक्चर में से कोई एक जो है वो हिस्सा काट कर किसी और जगह पर जो है उसको रख दूँ या मास्क जो है उसको लगा दूँ, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको अगर आप सिलेक्शन टूल से करते हैं तो सिलेक्शन टूल की मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें ये मैंने मास्क का ही एरिया सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, मास्क में अगर आप वाइट कलर करेंगे तो उसको शो कराना होगा, अगर आप ब्लैक कलर को लेकर आप यूज़ करेंगे तो वो मास्किंग वहाँ से
मतलब गायब होती जाएगी। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से कोई सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, क्विक सिलेक्शन टूल, और मैं चाहता हूँ कि इस एरिया को जो है वो मैं सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने ये पिक्चर ले ली। ठीक है, ये पिक्चर लेने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसका जो ये बैकग्राउंड है इसको मैं चेंज कर दूँ। ठीक है, इसके ऊपर मैं मास्क जो है वो अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैं इसके एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्या जैसे क्विक सिलेक्शन टूल से मैंने एरिया सिलेक्ट किया था, इसी तरीके से आप इसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ज़्यादा बढ़ गया, तो मैं कोशिश करूँगा इसको सिर्फ जो है वो बैकग्राउंड की हद तक ही रखूँ। सिलेक्शन में हटा देता हूँ, दोबारा से किसी पर्टिकुलर एरिया को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये देखें मैंने एरिया सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने एक दूसरी पिक्चर जो है वो ओपन की। ये देखें दूसरी पिक्चर मैंने ओपन की। अब डायरेक्ट ओपन करेंगे क्योंकि ये अलग लेयर में खुल जाएगी ना, क्योंकि अलग ही विंडो में खुल जाएगी। तो इसका आप कोई भी एरिया यहाँ से कॉपी करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से आपने कोई भी एरिया इसका कॉपी किया, कंट्रोल सी, और अपनी पिक्चर में यहाँ पर आकर हम कर देंगे कंट्रोल वी। ठीक है, कर रहे यार वो पिक्चर मुझे नहीं मिल रही जिसके ऊपर काम किया हुआ था, गई कहाँ। ये देखिए, ये एक पिक्चर है, इस पर हम काम करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा जो है वो चीज़ें समझ में आ जाए। मैं जो है वो यहीं पर इसकी डबल क्लिक कर लेता हूं और एक कॉपी बन जाएगी। ठीक है, क्या होगा, इसको जो है हम एक डुप्लीकेट बना लेंगे, इसका डुप्लीकेट लेयर कॉपी बना देंगे, और इसको जो है हम यहाँ से इमेज में जाकर मैं इसको कर दूंगा ब्लैक एंड वाइट। क्या कर दूंगा, ब्लैक एंड वाइट कर दूंगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ को हम जो है वो कलर देंगे। जब हम ब्लैक एंड वाइट करूंगा, अगर आप डायरेक्टली ग्रे स्केल पे जो है वो इसको ओपन करेंगे तो ये पिक्चर सही से काम नहीं करेगी, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है वो यहाँ इमेज में जाकर जो है वो इसको ब्लैक एंड वाइट कर लेंगे। अब यहाँ से आपको देखिए चीज़ें बता रहा है ब्लैक एंड वाइट में, अगर आपने कोई चीज़ यहाँ पे से चेंज करनी है, बढ़ानी है, कम करनी है, तो उसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, खैर इसको हम नहीं छेड़ते, और यहाँ से हम जो है वो हो गई ना चीज़ें। इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है, अगर प्रीव्यू ऑफ करूँगा तो ओरिजिनल इमेज आपको दिखा रहा है, प्रीव्यू ऑन करूँगा तो ये आपको दिखा रहा है, इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है, दोबारा हम लेयर पैनल को ओपन करते हैं। अब ये पिक्चर हमारे पास जो है वो ब्लैक में आ गई। ठीक है, इसके ऊपर मैं देखें मास्क जो है वो अप्लाई कर देता हूँ, और मास्क अप्लाई करने के बाद देखें यहाँ से जो एरिया मुझे
कलर में चाहिए उस एरिया को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। मुझे पूरी पिक्चर कलर नहीं करनी, मुझे जस्ट कुछ एरिया कलर करना है ताकि उसका ओरिजिनल कलर में उसको दिखा सकूँ। थोड़ा सा मैं पिक्चर को जो है वो बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से कहाँ चले गया इसके ऑप्शन ही आउट लग रहे हैं मुझे, पता नहीं क्या हो गया इसको। कहाँ चले गया नेविगेटर ये। अगर कोई चीज़ इसी तरीके से आपके पास यहाँ से पैनल में गायब हो जाए तो इस विंडो से जाकर आप ला सकते हैं, ठीक है। कोई भी लेयर्स वगैरह अगर यहाँ से चले जाते हैं तो आप विंडोज़ में जाकर इसको ला सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ज़ूम कर लूँगा, ज़ूम करने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि इसको लेना। मैंने यही ब्रश है, ठीक है, ब्रश बहुत बड़ा है तो मैं ब्रश की साइज़ यहाँ से छोटी कर लूँगा। और ख़ास तौर पर ये जो हार्डनेस है इसकी भी सेटिंग हम कर लेते हैं कि कितना हार्ड हो। शुरू में तो हम इसको हार्ड ही रखेंगे, ठीक है। साइज़ थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ, अब देखें क्या हो रहा है। थोड़ा सा बारीक बीनी का काम है, बल्कि बहुत ही बारीक बीनी का काम है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको जो हम करेंगे फिर जो है वो अब देखें। ये मेरा ब्रश थोड़ा सा बाहर भी जा रहा है, ठीक है। मैंने सिर्फ़ इसके ड्रेस को कलर करना है, मैंने पूरी पिक्चर को कलर नहीं करना। तो जहाँ जहाँ से मुझे मसला होगा तो मैं उसको सेट कर लूँगा। इवन के मैंने इसके जिस्म को भी ब्लैक एंड वाइट ही रखना है, सिर्फ ड्रेस को मैं कलर करूँगा। असल में मेरे पास माउस नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंट बनना पड़ेगा। इसमें आपने ब्रश की शार्पनेस ज़्यादा रखनी है, क्योंकि शार्पनेस रखेंगे तो ये आपका कलर जो है वो पूरा सही आएगा। अगर सॉफ्ट रखेंगे तो कलर थोड़ा सा डिम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ये रह गया देखें, ठीक है। इसको भी मैं कर देता हूँ, सिर्फ ड्रेस को मैं कलर करूँगा। अब दूसरी एक चीज़, मैं लेयर में जाकर यहाँ पर देखें, इसको अगर मैं हाइड कर देता हूँ नीचे वाले लेयर को, तो मुझे यहाँ पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ से इसको जो है वो मास्क कर दिया। अगर कोई चीज़ रह गई है तो इसको मैं यहाँ से क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद देखें, अब अगर ये चीज़ें जो मेरी बाहर रह गई हैं, मैं इसको थोड़ा सा जो है वो और ज़ूम करके देख लेता हूँ कि कहाँ कहाँ से अब ये बाहर आ गया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जस्ट कलर चेंज कर दूँगा, वाइट कर दूँगा। वाइट करने के बाद जब मैं इसको यहाँ से घुमाऊँगा तो ये देखें, वो जो बाहर निकला हुआ आ रहा था ब्रश मेरा, वो ख़त्म हो जाएगा। और सिंपल एक शॉर्टकट की आपको बता देता हूँ, जैसे एक्स प्रेस करेंगे तो ये कलर चेंज हो जाएगा, ताकि आपको फास्ट काम करना पड़े, बार बार कलर चेंज करना पड़े, तो यहाँ से आप जो है वो इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा बारीक बीनी वाले काम है तो इनको थोड़ा सा देख के करना पड़ता है ना। उम्मीद है समझ आ रहा होगा।
ठीक है जी, अब हमने क्या किया है, हमारी पूरी पिक्चर जो है वो ब्लैक एंड वाइट है, सिर्फ हमने इसके कपड़ों को जो है वो कलर दे दिया है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मास्क, कि आपने लेयर को जो है वो किस तरीके से शो कराना है और किस तरीके से गायब करना है। जैसे आप मास्क करेंगे, देखिए यहाँ पर जो कलर आ रहा है ना वाइट, अगर आप इधर कोई और कलर भी ले लेंगे लेकिन ये और कलर काम नहीं करेगा, क्योंकि मास्क जो होता है वो सिर्फ ग्रे स्केल में चलता है। किस पे चलता है? ग्रे स्केल में चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कोई भी कलर ले लेंगे लेकिन वो आपको काम जो है वो ग्रे स्केल में ही करके देगा, ठीक है। तो वाइट रखेंगे तो उसकी जो शार्पनेस होगी वो अच्छी आएगी। इस तरीके से आप जो है वो पिक्चर को मज़ीद अगर हम छोटा करके देखें, देखें सिर्फ हमने इसके कपड़ों को कलर कर दिया। और अगर कोई और चीज़ हम देखते हैं इसकी कुछ कलर करने की है, देखें आप बिल्कुल करीब जाकर भी कर सकते हैं, मैंने तो जस्ट जो है वो थोड़ा सा जल्दी में कर लिया था इस वजह से। अगर आप चाहते हैं इसके बालों को कलर आ जाए तो वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और एक्सप्रेस करके उसके बाहर का एरिया मैं ख़त्म कर देता हूँ। ब्रश आप छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, और शार्पनेस भी थोड़ी सी कम कर दें। ब्रश इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि हम जूम करके देख रहे हैं तो उसको ज़्यादा जो है वो बड़ा करके दिखा रहा है, ठीक है। अब देखें इसके बाल, आपको तो सही नज़र नहीं आ रहे लेकिन जब आप स्क्रीन में करेंगे तो नज़र आ जाएंगे। बाल भी कलर हो गया, सिर्फ चेहरा जो है वो इसका ब्लैक एंड वाइट रह गया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, करेंगे इसकी प्रैक्टिस। मज़ीद एक चीज़ देखें, यहाँ इसके हाथ के करीब जो चीज़ें आ रही हैं इनको हमने थोड़ा सा कलर नहीं किया, इनको भी हम जो है वो कर देते हैं एक्सप्रेस करके, और थोड़ा सा जो है वो इस तरीके से हम, ताकि ये ज़ाहिर हो जाए, ठीक है। और हम मज़ीद थोड़ी सी इसकी शार्पनेस कम करेंगे ताकि कलर हल्का आए। ठीक है जी, इस तरीके से अब छोटा करके देखते हैं, ये आपकी पिक्चर बन गई।